हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। तो आज शुरू करते हैं मोटो ब्लॉगिंग से। तो आज मैं जा रहा हूँ बड़ी पटन देवी बड़ी पटन देवी जो कि पटना सिटी में है। और बड़ी पटन देवी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो पटना का नाम बड़ी पटन देवी के नाम से ही रखा गया है। कहते हैं बड़ी पटन देवी पटना की रक्षा करती हैं, इसलिए इसे पटनेश्वरी भी कहा जाता है। तो आप लोग में से काफ़ी लोग शायद इस बात को जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं। ये पटन देवी का इलाका है, और ये सामने जो गली चली जाती है वो बड़ी पटन देवी की ओर जाती है। बट हमें अभी जाने का मौका नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद है। तो मे बी हमें किसी और टाइम यहाँ पर आकर देखना होगा। मे बी मैं रात को यहाँ पर विजिट करूँ। तो अभी कोई दूसरा काम मैं कर लेता हूँ, और मैं रात को हो सके तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। और ये देखिए, दो बच्चे। सो बच्चों से कभी और बात करेंगे, अभी अपना काम कर लेते हैं। नॉर्मली इस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक होता है, और क्योंकि आज पूजा है तो आप यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु लोगों को देख सकते हैं ना। लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी, बाइक हो गई या ई रिक्शा हो गया, ऑटो रिजर्व करके डायरेक्ट मंदिर के पास ही उतरते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। मैं चाहूँ तो आपको मंदिर के अंदर का भी बनाकर वीडियो डाल सकता हूँ, बट उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे ही ये काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इससे बेटर है वीडियो छोटी रहे, वो कभी और देख लेंगे। अभी हम लोग गली पकड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था रोड पर, बट गली में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्पीड को कंट्रोल करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गायघाट की गली गली होते हुए NMCH की ओर निकल रहे हैं। NMCH के पास का जो फ्लाईओवर है उसको पकड़ेंगे, और वहाँ से सीधा एग्जीबिशन रोड की तरफ निकल लेंगे। एक्चुअली आप अगर पटन देवी वाला रोड पकड़ते हो, यानी कि अशोक राजपथ वाला रोड पकड़ते हो, तो वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। बट रीज़न मेरा वहाँ से नहीं जाने का है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और ये वाला जो राजेंद्र नगर वाला जो एरिया है वहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं होती। तो मैं लॉन्ग रूट ही पकड़ता हूँ जब भी मुझे कहीं जाना होता है, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा होता है कि घंटों लग जाते हैं ट्रैफिक में। तो अभी हम बाकरगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकरगंज में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, ये एक्चुअली दिन का टाइम है और गर्मी काफी ज्यादा है, बट थोड़ी संभावना लग रही है कि आज शाम तक या फिर कल यानी कि नवमी वाले दिन बारिश होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये देखिए डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लोग करते हैं, बट दिन के लाइट में इतना दिख नहीं रहा है जितना डेकोरेटेड ये प्लेस है, उतना कवर नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो अपना काम हो गया फिनिश। तो गाइज, निकलते हैं घर की ओर। ये आपका बाकरगंज वाला रोड है जो पकड़ के हम सीधे एग्जीबिशन रोड की फ्लाईओवर को पकड़कर सीधा घर की ओर निकल लेंगे, जो कि सिटी में पड़ता है। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी दिख कैसा लगा।
और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को बस देखें नहीं, सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ हम निकल गए हैं एग्जीबिशन रोड वाले इलाके में, तो यहाँ से हमने टर्न लिया। काफ़ी सारे होटल्स हैं इस रोड में, बट हमें होटल नहीं जाना है अभी, तो हमें फ्लाईओवर पकड़ के वापस होना है। तो ये मैंने फ्लाईओवर पकड़ लिया। फ्लाईओवर पे ड्राइव करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली नीचे रोड पर चलाना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, पटना की सड़क पर जो लोग यहाँ रहते हैं तो आपको तो पता ही होगा यहाँ पर ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर अगर आप पटना सिटी की ओर निकल जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक तो मतलब, अगर आपको कहीं निकलना है तो बिना एक डेढ़ घंटे वहाँ पर लगे बिना आप निकल नहीं सकते। और गंगा पथ होने से अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है बट फिर भी काफ़ी मुश्किल है। रहा हूँ राजेंद्र नगर की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी तेज वाली धूप है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आज एक्चुअली मेरा प्लान था पटन देवी जाने का, पर क्योंकि आज अष्टमी है और काफ़ी सारे लोग बाहर से भी आते हैं दर्शन करने को, इसलिए वहाँ के लोग रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा तो वहाँ पर जगह नहीं बचेगी जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। अगर आप तो दशहरा वाले दिन जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लंबी लाइन होती है। मेरा थोड़ा शॉपिंग करने का ही मन हो रहा था इसलिए मैं नागर मॉल। नागरमल मॉल आया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं। वो पटन देवी इलाके के बारे में कह रहा था मैं, वहाँ पर अगर आप दशहरा के टाइम विज़िट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो क्योंकि मैं पटन देवी के पास ही रहता हूँ तो मैं मंदिर होते हुए ही गुजरता हूँ, लेकिन नवरात्रि के टाइम ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आज मेरा इरादा तो वहाँ पर वीडियो कवर करने का था बट थोड़ा अंदाज़ा था कि वहाँ पर जाना अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइन होगी। तो आप ऐसा नहीं है कि नवरात्रि वाले ही दिन जाए, आम दिन भी जा सकते हैं वहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड पर उतना रश नहीं है जितना अदर डे होता है, रीज़न वही है फेस्टिवल। क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है स्पेशली इस एरिया पे। तो बाइक चलाते हुए मुझे ध्यान में आ रहा है कि मेरी बाइक में पेट्रोल कम हो रही है, तो मैं पेट्रोल लेने को जाता हूँ।
मेरी बाइक है KTM, तो अब तो आपके पास भी होगी और आप जानते भी होंगे कि KTM का माइलेज कैसा है। तो पेट्रोल के मामले में तो है ही, बट जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, KTM जैसी कोई और बाइक नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि शाम को मैं पटन देवी को कवर करूँगा, तो मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अंदर जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइन लगी हुई है, तो आप तो बाहर से ही दर्शन कर लो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और ये है शीतला मंदिर जो कि आगम कुआं में पड़ता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।